माइटोकॉन्ड्रिया इज 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर है। अगर तादाद की बात करें, नंबर की बात करें, तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये है कि ये सबके लिए सेम नहीं होता है, सेल पे डिपेंड करता है, सेल पे वेरी करता है। तो सेल टू सेल द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी, कि उसका सेल आया बड़ा है छोटा है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब बढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है किस चीज़ से बना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो चीज़ों से बना है, लिपिड्स और प्रोटीन से। तो यहाँ पे देखें, माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना है। डायमीटर की बात करें, द डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 0.5 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर है वो क्या है, 0.5 माइक्रोमीटर, विच इज़ इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, ये आप देख सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं इंजाइम्स विच इन्वॉल्व इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत सारे इंजाइम्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, लेकिन चंद जो हाईलाइट करके मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है। फैटी एसिड को इंजाइम लाइगेज, एटीपी साइंथेस, मेलेटी हाइड्रोजिनेस। तो ये ऐसे हाईलाइटेड इंजाइम्स थे जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अब बढ़ते हैं फंक्शन के ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके एटीपी बनाई जाती है, ये फंक्शन है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, यानी इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, एटीपी बनाते हैं। तो ये किसका फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, तो टोटल केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होती हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म भी कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन ऑक्सीजन से एटीपी बनाई जाती है उसे, ये भी किसका फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पायरेशन होने को क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो ये भी किसका फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे माइटोकॉन्ड्रिया के। तो आप रिव्यू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या क्या पढ़ा, तो उसको हम डायग्राम से रिव्यू करते हैं जिससे आप सही कंसेप्ट वाइज समझ सकोगे। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ये इनर मेम्ब्रेन है जो कि अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, और ये उसके मैट्रिक्स में जो है डीएनए पड़ा हुआ है, न्यूक्लियर मटेरियल है, और ये ग्रेन्यूल्स हैं, और ये राइबोसोम्स हैं, और ये आपके सामने नोप लाइक स्ट्रक्चर इन फोल्डिंग्स क्रिस्टी आ गए, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये मैट्रिक्स जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह और भी चीज़ें होती है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, और ये एटीपी साइंथेस पार्टिकल या F1 पार्टिकल्स होते हैं जो कि एंजाइम में सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन होते हैं। ये था अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। शुक्रिया।